SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिका कुमारी और SN Live में आपका स्वागत है। देश के मशहूर शायर इमरान प्रताप गड्ढी ने की पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब से मुलाकात। बता दें कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे, जहां उनको कोरोना संक्रमण होने से करीब 10 दिनों तक दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसके बाद 1 मई को उनका निधन हो गया था। बता दें कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद भी मशहूर शायर इमरान प्रताप गड्ढी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पहुंचे हुए थे और पूरा दिन उसामा साहब के साथ खड़े रहे और मिट्टी में भी शामिल हुए थे। इस दौरान इमरान प्रताप गड्ढी ने एक पत्रकार को दिए अपने बयान में शायराना अंदाज में उनके इलाज में लापरवाही करने की बात कही थी। बता दें कि 2 रोज पूर्व ही सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की कब्र पर उनके पुत्र उसामा साहब दिल्ली पहुंचे हुए थे और अभी दिल्ली में ही है। इस दौरान उनसे मुलाकात करने के लिए इमरान प्रताप गड्ढी दिल्ली पहुंचे हुए थे। ऐसे ही बड़ी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें SN Live। न्यूज हिंदी से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे SN Live चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।